हेलो जी, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का रविपाल व्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ। अभी यहाँ पे देखिए, अर्णिका और मैं थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। काम हमारा हो चुका है, तो काम करने के बाद थोड़ा आराम कर रहे हैं यहाँ बैठ के। और जी अभी जो है लड्डू मेरे साथ खेल रहा है, क्योंकि हम अभी आए हैं छत से धूप लेकर थोड़ी सी, और वहाँ पे लगने लगी हमें गर्मी, तो फिर हम आ गए हैं नीचे। और मम्मी अभी गई है सबसे नीचे, वो इसलिए क्योंकि वो गाय बोल रही ना, तो उन्हें घास तो कर दिया था, तो मम्मी वहां पे उसे बांधने के लिए गई है। और यहाँ पे देखिए, इसने थोड़ा सा इसे ये है ना ये टेडी बियर, इसका ये उतार दिया दिल सा। यहाँ पे इसे लगाना पड़ेगा दोबारा से। इसमें थोड़ा सा ये कपड़ा था, ये भी कच्चा सा था, देखो जैसे ये होते ना थैले होते हैं, तो ऐसे था, कपड़ों के थैले होते हैं नाजुक से, तो ऐसा कपड़ा लगा रखा था, लेकिन इसे मैं सही कर दूंगी। इसने तो बहुत जगह से फाड़ दें, यहाँ से फाड़ दिया भाई, इसके तो टक्के उधड़ गए। इसे तो सारा ही सीलना पड़ेगा, क्योंकि ये खांसती रहती है ना, तो इसकी सिलाई उधड़ गई यहाँ से, तो इसे भी सही करेंगे, वरना इसकी जो रुई है ना निकल जाएगी वो। कहाँ है भाई? भाई है नहीं? और इसके साथ खेलती रहा है ये, आपको पता ही है जो सारे गुड्डे हैं सभी को भाई बोलती है ये। कौन है? चलो माम माम करिए, हाथ जोड़ के माम माम करो। और जी अभी बस इसके पापा बाल कटा के लेके आएंगे इसके कल, क्योंकि कल तो कल इसके पापा बाल कटा के लेके आएंगे। इसके बाल थोड़े बड़े हो रहे, और जी वो भी इसलिए नहीं कटा रहे थे ना, कि जब हमन होगा उसके बाद कटवा देंगे, वैसे उससे पहले बाल बाल कटवा नहीं रहे थे, तो इसे फिर गंजी करा के लेके आएंगे, क्योंकि इसके सर पे ना बाल बहुत कम है, पीछे से तो बहुत ही छिद्दे हैं, तो हम सोच रहे कि इसे गंजी कराते रहे बार बार तो इसके बाल जो है थोड़े घिनके से हो जाएंगे। भूख लग रही? भूख लग रही आपको? भूख लग रही? क्या खाना आपको मैं बताओ पहले, क्या खाना? क्या खाना? बुब्बू बुब्बू पीना, और इसे पीना है अभी बुब्बू। हाँ अच्छा, माम माम तो कर दो हाथ जोड़ के, जय श्री राम बोलियो, जय श्री माँ गए थे बाबा के दरबार में, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जे जे करियो, जे कर दो, जे जय श्री राम बोलियो, जे जे करियो, कर दो ना मेरे बाबू, जे जे। लड्डू कितना बड़ा? ये क्या कर रहे क्या कर रहे अच्छा एट्टी बना के दिखाइए उन्हें, एट्टी बना के दिखा दो सभी को, बनाइए बना दो एट्टी बना दो। और अगर खाना बनावा है ना, तो रोटी बना, बेलन ले ले हाथ में से, कुछ भी काम करो उसी चीज को कराए, अभी पोछा लगाए तो पोछा ले ले हाथ से। हाँ बुब्बू पीना, चलो ठीक है जी, बुब्बू पिएगा हमारा बाबू। हाँ मेरा बाबू, मेरा लड्डू सा है। चलो कटिंग कराओगे बालों की? कटिंग कराओगे? और 1 महीने से इसके पापा भी मेरी शेविंग वेविंग नहीं करवाई, क्योंकि मेरे नियम की वजह से तो बाल बाल को शेविंग वेविंग कर दी, ये सब चीजें बंद है अभी। हाँ तो जी शाम का टाइम है, शाम के बज चुके हैं 5:15, तो अब हो गया दूध निकालने का टाइम, और बुद्धू जो है चाचा जी ने छोड़ दिया है आज, ये पर्दे वगैरह भी हटा दिया है, क्योंकि मौसम साफ था और सब चीज़ें अच्छी थी, हवन वगैरह भी जो है सब चीज़ें बहुत अच्छी से हो गई है। और यहाँ पे ताऊ जी फिर से देख रहे हैं आज कुश्ती, ये है दंगल के फैन, तो इन्हें चाहिए सिर्फ दंगल, दंगल चलता रहे, गाने बजते रहे, छुट्टी ढोल ढमाका। और मंगलू को हम खूब दूध पियाते हैं भाई, बहुत से लोग बोलते हैं कि आप दूध नहीं पियाते, इसको 2 से 3 बार हम दिन में दूध पियाते हैं, अब पिएगा दोपहर में और शाम में, और खाना भी खाता है अब तो, ये खाना क्या घास खाता है, यानी कि अपना खाना। और अब दूध निकालने की तैयारी, चारों थन पियाते हैं इसको स्टार्टिंग में, फिर थन धोए जाएंगे, फिर दूध निकलेगा, और फिर जब दूध निकालने के बाद में फिर से छोड़ा जाएगा, और पूरा दूध नहीं निकालते हम इसका, थोड़ा छोड़ देते हैं इसके लिए भी। तो बुद्धू को हमने जो है गाय के पास में बांधते हैं, ताकि ये इसे चाटती रहे, और ये भी, ये देखो आगे कैसे मुंह मार रहा, अब धोए जाएंगे थन, उसके बाद निकलेगा दूध। तो ये शुरू हो गया है दूध निकलना,
अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो 7:15 बज चुके हैं। खाना वगैरह हमारा सभी का हो गया है और अभी जो है मुझे करना है काम, क्योंकि अभी ये कपड़े देखिए कितने सारे पड़े हुए हैं। जो ये कपड़े हैं ना मेरे वाले, आज जो मेरे शुरू से लेके आखिरी तक मतलब जितने मेरे पास कपड़े थे सारे जो मैं पहनती थी चिल्ले में, वो मैंने अभी आज धो दिए हैं। कुछ मम्मी धुल चुके हैं, कुछ मम्मी ने धोए हैं, कुछ हमने धोए हैं। तो अभी मैंने कि मैं बना रही हूँ तैं, क्योंकि सभी के कपड़े हैं और मेरे कपड़े हैं। उस दिन से वे कपड़े जो थे नीम की साबुन वगैरह में धो देते थे ऐसे ही, और जी इतने अच्छी तरह नहीं धुलते थे, मतलब कि गर्म पानी में नीम की साबुन से लगा के उससे धो देते थे हल्के फुल्के से जैसे भी कैसे थे। तो आज उन्हें गर्म पानी में डिटर्जेंट पाउडर से धो दिया है सर्फ से, यानी कि तो ये साफ हो चुके हैं। तो कल पहना जाएगा दूसरा सूट जो नया होगा, तो घर वाले तो बाद में यूज किया जाएंगे, और अभी जो अमन होने के बाद तब पहने जाएंगे सर्फ में धोए कपड़े। वैसे आज मैंने दूसरा सूट पहन लिया था जो रखा था, ये वैसे गर्मी हो चुकी है लेकिन इन्हें उठा के रख देंगे कपड़ों को। अन्निका भी नीचे गई है, अन्निका के पापा अभी अनाज पिसवाने के लिए गए हाड़ा। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, चक्की चल रही है यहाँ पे, जो ट्रैक्टर वाली चक्की है ना वो वाली चल रही है, तो उस पर ही हाड़ा पिसवा लेते हैं। हमारी चक्की जो है थोड़ा मोटा मोटा पीसती है, वो गाय के लिए पीस लेते हैं। तो अभी अपने काम करते हैं, तो बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। अभी हुआ है यहाँ पे रात का टाइम, तो यहाँ पे मैं फ्री टाइम में बैठ के थोड़े कपड़ों की तय बना रही हूँ। कपड़े आप देखिए कितने ज़्यादा पड़े हुए हैं, और कपड़ों ना मतलब कि हमने इतने सारे धोए, जो मेरे मतलब कि चिल्ले के कपड़े थे मैं बहुत सारे धुले हैं, और सभी को धो दिए मैंने जो गरम गरम कपड़े थे। 4-5 कुर्तियाँ हैं मेरे पास, और जो गर्म सूट है मैं सभी गर्म बनियान इनर पजामी सब चीज़ें धो दी हैं, और सभी के कपड़े धो दिए हैं। मम्मी अभी बाहर थी, और जी क्योंकि बाहर आने का पापा हाड़ा पिसवा रहे थे, तो मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, तो सोचा कि कपड़ों की तय बना दूँ। और जी जब मतलब कि मैंने आज अपने गद्दे पे ही डाल लिया था, और ये वीडियो ना थोड़ी सी मतलब कि चिल्ले से एक दिन पहले की है, मतलब कि हमन था जब उससे पहले के चिल्ले के टाइम की। तो आप ये मत कहना कि आपने गद्दा नहीं उठाया अभी तक, ये नहीं करा वो नहीं करा, क्योंकि सभी कमेंट करेंगे। तो अन्निका के पापा ने कल वो वीडियो एडिट की थी जो हमने कल बनाई थी ना, जैसे कि एक दिन पहले व्लॉग बनाते हैं फिर नेक्स्ट डे डालते हैं, तो ऐसे करते हैं। तो अन्निका पापा ने जैसे कि हमने पूरा दिन बनाई वीडियो, तो शाम के टाइम वही डाल दी, ये वाली उन्हें पता नहीं था कि हमने ये वाली भी वीडियो बना रखी। तो चलिए जी कोई बात नहीं, आपके पास अभी आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए अन्निका के पापा आ चुके थे हाड़ा पिसवा का, और यहाँ पे उन्होंने थोड़ा कैमरा जूम किया था, और हम ना ये ट्राईपॉड लगा के जब बना लेते हैं वीडियो, और अभी आसानी होती है व्लॉग बनाने में भी। और जी यहाँ पे जो कपड़े नाइट में पहनने के हैं टी शर्ट वगैरह, वो मैंने अलग निकाल के रख दी है सोफे पे, और जो गर्म पजामे वगैरह सब चीज़ें हैं इन्हें कि मैं तय बना दूंगी। और कुछ हमने मच्छरदानी वगैरह भी धोई है, क्योंकि अभी मच्छर बहुत ज़्यादा लगने लगे हैं, आपको पता है गर्मी आ रही है तो मच्छर भी आएंगे ज़रूर, तो कमरे में मच्छर लगने लगे हैं। ऑल आउट वगैरह हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि अन्निका को नुकसान देगी ना, फिर गले में खांसी वगैरह सी कर देती है, तो हम ज़्यादातर मच्छरदानी का यूज़ करते हैं। गर्मियों में भी हम छत पे भी लेटते हैं ना, तो हम मच्छरदानी लगाते हैं, और घर में जो अंदर लेटेंगे तो जब भी कमरे में तो हम भी मच्छरदानी लगाएंगे, बेड पे भी मम्मी पापा सभी लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे कपड़ों की तय बना दी गई है, और यहाँ पर देखिए सामने पड़ी है, तो यहाँ पे मच्छरदानी है, और यहाँ पे ना एक मकड़ी ही आ गई थी, मुझे बहुत डर लगता है मकड़ी वगैरह होते हैं, जो कान कजरे वगैरह होते हैं इनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो चलिए जी यहाँ पे देखिए सभी कपड़ों की करीबन करीबन तय हो चुकी है, और कुछ रह तो गाइज अभी हुआ है रात का टाइम, रात के बज चुके हैं 9:15, और अभी मम्मी ने यहाँ पर बनाई है बत्ती उसके लिए पूजा के लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं बनानी पड़ती, तो यहाँ पर बैठ के काफ़ी सारी रुई की बना दी है, और जिन्हें घी में भिगो के रख देंगे फिर ये जम सी जाएगी, एक एक बत्ती उठाएंगे और फिर घी डाल दिया करेंगे इसमें। तो अभी पूजा किए ना ले कल को, मतलब कि सुबह की यही जलेगी, दिया लगाएंगे जब, क्योंकि ख़त्म हो गई थी हमारी। अन्निका के पापा अभी उधर वीडियो एडिट कर रहे हैं, और हम यहाँ पे अपने बिस्तरे में बैठे हुए हैं। ये देखो ये सारे टॉयज अभी मुझे इकट्ठे करके इस वाले थैले में रखने, क्योंकि इसने पहले इन्हें बिखेरे, इनके साथ खेल लिया और फिर सोई। ये देखिए ये सो रही है इधर यहाँ पे, ते डेली दंगल है ताऊ, तो पहले ताऊ भी दंगल खेल लग रहे थे, उन तो खेल गए हैं, उन गड़ी गुड़ी सारे को हैं जवानी में, अब फोन नहीं रखा, फोन मैंने अभी बंद कर रखा क्योंकि आवाज आती है दूसरी, और इधर मशीन वगैरह चारा पशुओं का ये रहा यहाँ पे।